न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। डॉक्टर कफील के सवालों का जवाब देते हुए बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि काशी पर हुए हमले में उनकी कुछ भी भूमिका नहीं है। जांच के बाद वो डॉक्टर कफील पर करेंगे मानहानि का दावा। लूट की 6 मोबाइल सेट के साथ 2 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ क्राइम ने किया खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में चल रहे साप्ताहिक राष्ट्रीय योग कार्यशाला तीसरे दिन भी रहा जारी। वक्ताओं ने प्राणायाम साधन विषय पर व्यक्त किए विचार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो अनुपस्थित आशा बहुओं पर कार्रवाई के साथ होगी नई आशा बहुओं की भर्ती। गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा जूनियर चैंबर इंटरनेशनल मिड टाउन के संयुक्त तत्वाधान में 19 जून को 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रगति की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। परियोजना अधिकारी ने कहा अब तक 5,000 लोगों को पहुँचाया जा चुका है लाभ। 18 और 19 को जिले के 38 केंद्रों पर होगी आरसी पुलिस भर्ती की परीक्षा तैयारी पूरी। एसपी ट्रैफिक ने बताया लगभग 88,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एमआर एसोसिएशन के गोरखपुर इकाई का वार्षिक आम सभा हुआ संपन्न। सभा के दौरान नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। 6 सूत्रीय मांग के संदर्भ में सदर तहसील में संपन्न हुई लेखपाल संघ की बैठक। मांगे पूरी नहीं होने पर 19 से चरणबंद आंदोलन की दी चेतावनी। भारत विकास परिषद गोरक्ष प्रांत के स्थापना एवं अधिष्ठापन समारोह तथा प्रांतीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। सेवा कार्यक्रमों की हुई समीक्षा के साथ आगामी सेवा कार्य की बनाई गई रणनीति। सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव महाराज के शहीदी पर्व पर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा द्वारा आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में गौतम बुद्ध क्रिकेट एकेडमी ने गौरव क्रिकेट एकेडमी को 50 रन से हराया।